भारत माता की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। महाराष्ट्र में हुए सियासी उलटफेर के बीच एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बने हैं, जबकि एनसीपी के अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने हैं। इसको लेकर सियासी गहमागहमी बिहार में भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने की खुशी में पटना में जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जहां पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए पटना बीजेपी कार्यालय की, जहां मुस्लिम समर्थक जो हैं, जो मुस्लिम भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी उत्साहित है और वो वंदे मातरम के जयकारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं और साथ ही साथ अमित शाह जिंदाबाद भी बोल रहे हैं। आप वो तस्वीर देखिए। भारत माता के अमित शाह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मैडम मैडम क्या खिला रहे हैं? नीचे नीचे कितना खिलाइए। तो आपने देख लिया किस तरीके से काफी उत्साहित है जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, मुस्लिम नेता है, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो काफी उत्साहित है महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने से और वो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं इस सरकार बनने की खुशी में। वो लोग वंदे मातरम बोल रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर हम इसलिए आपको ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इस शब्द को लेकर अक्सर कई तरह के विवाद सामने आ जाते हैं, जो कई बार जो होता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस तरह के बयानबाजी की जाती है। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत ही सौहार्दतापूर्ण परिचय दे रहे हैं मुस्लिम पक्ष के लोग, मुस्लिम समर्थक जो हैं बीजेपी के समर्थक, वो वंदे मातरम, भारत माता की जय और अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी खास तस्वीर आज के लिए, आज की राजनीति के लिए, वर्तमान राजनीति के लिए, बिहार की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए है। और इसी तस्वीर के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप बने रहें हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।